नमस्कार, मैं त्रिशाली मगर एमवीटीवी के समाचार में आप सभी का स्वागत। नवी मुंबई को जुड़ने वाला वाशी खाड़ी पुल का तीसरा पुल प्रतीक्षा में है। नवी मुंबई को जुड़ने वाला वाशी खाड़ी पुल पर दो पुलों पर सुबह होने वाले ट्रैफिक जाम पर उपाय के रूप से राज्य रास्ता विकास महामंडल ने अक्टूबर 2016 में पर्यायी उड्डान पुल की निगरानी की थी। इसके बाद इन दो खाड़ी पुल के नजदीक तीसरा पुल कैसे निर्माण किया जा सकता है, इस बाबत का एक निजी संस्था ने पुल का अध्ययन अहवाल तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। इस साल पालिका प्रशासन ने किए हुए दफ्तर दिरंगाई की वजह से साल भर पालिका के छात्रों को नई वर्दी के बिना स्कूल जाना पड़ रहा है। इस साल पालिका प्रशासन ने किए हुए दफ्तर दिरंगाई की वजह से साल भर पालिका के छात्रों को नई वर्दी के बिना स्कूल जाना पड़ रहा है। अब परीक्षा अवधि शुरू होने के बाद स्कूल के अंतिम दिनों में वर्दियों का आवंटन किया जा रहा है, इसलिए आखिरी 15 से 20 दिनों तक छात्रों को नई वर्दी मिलने वाली है, ऐसी जानकारी पालिका के शिक्षण अधिकारी इनकी ओर से प्राप्त हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। वाशी उपनगरों में हुए बहुत सी इमारतें धोखादायक है और यह इमारतें पुनर्विकास की प्रक्रिया में है। वाशी उपनगरों में हुए बहुत सी इमारत धोखादायक है और यह इमारती पुनर्वास की प्रक्रिया में है। सिडको निर्मित धोखादायक घरों के पुनर्विकास के बारे में सिडको ने पुनर्विकास के बाबत कई सोसाइटियों को नाहरकत प्रमाण पत्र दिए हैं, लेकिन इसके लिए पालिका के पास इस बाबत का प्रस्ताव अद्याप अटके हुए हैं और इस वजह से पालिका के अनुमति के बिना 13 सोसाइटी पुनर्विकास निर्माण परमिट का प्रस्ताव लंबित है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। पशु और पक्षियों को सार्वजनिक ठिकानों पर खाद्य दिए जाने पर अस्वच्छता दंड के रूप में 500 रुपयों का जुर्माना भरना पड़ेगा। सार्वजनिक ठिकान और गृह निर्माण संकुल परिसर में कबूतर या किसी भी पक्षियों पर प्रेम दिखाने वाले पक्षी प्रेमी पक्षियों को खाना देते हैं। इस वजह से पक्षियों की विष्ठे की परेशानी सर्वसामान्य नागरिकों को होती है और इसी तरह पुराने पनवेल शहर में बराहा पालन होने की वजह से यह पक्षी और प्राणी हर जगह गंदगी करते हुए पाए जाते हैं, इसलिए पनवेल पालिका ने पशु और पक्षियों को सार्वजनिक ठिकान पर खाद्य खिलाने पर अस्वच्छता दंड के रूप में 500 रुपयों का जुर्माना लेने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। 2019 में जनवरी और फरवरी में कुल 4,80,000 रुपयों का जुर्माना वसूला गया और 1.5 लाख टन प्लास्टिक जब्त किए गए। मार्च 2018 से दिसंबर 2018 तक 728 व्यापारियों और दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनसे 28 टन प्लास्टिक जब्त किए गए हैं, तो 34 लाख रुपयों का जुर्माना वसूला गया है। इसी के साथ 2019 में जनवरी फरवरी में कुल 4,80,000 जुर्माना वसूल करके 1.5 लाख टन प्लास्टिक जब्त किया गया है, जिनमें बेलापुर, नेरुल, वाशी, तुर्बे जैसे अनेक जगहों का समावेश है। तो इन जगहों से साल भर में कुल 38,80,000 रुपयों का जुर्माना वसूल कर 30 टन प्लास्टिक जब्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। नई मुंबई की तेजस्विनी बस चलाने के लिए दो ही महिला उपलब्ध होने की वजह से यह बस पुरुष चलाते हुए पाए जाते हैं। नवी मुंबई के महिला यात्रियों के लिए NMMT प्रशासन ने महिला दिन के अवसर पर तेजस्विनी बस की सेवा शुरू की थी और इस बस परिवहन बस की चालक महिला होगी ऐसा घोषित किया था। हालांकि NMMT के पास सिर्फ 2 महिला चालक उपलब्ध है और इसलिए यह बस पुरुष चलाते हुए पाए जाते हैं। तो इस बस की सेवा नवी मुंबई की 7 मार्गों पर शुरू होने की वजह से और 2 ही महिला चालक होने की वजह से यह बसें पुरुष चलाते हैं, इसलिए महिला चालकों की नियुक्ति जारी है। उनकी नियुक्ति होने के बाद यह बस महिला चलाएगी, ऐसी जानकारी NMMT प्रशासन की ओर से प्राप्त हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। आज के समाचार में इतना ही। नमस्कार।